सो हाय फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको CS रैंक गेम के लिए एक ऐसा ओवर पावर कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बताने वाला हूँ जिसको कि यूज करने के बाद आपको मिलने वाला है अनलिमिटेड HP। अनलिमिटेड मतलब बहुत 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 ज्यादा HP। तो होने क्या वाला है कि आपको जितना भी डैमेज पड़ेगा 5 सेकेंड के अंदर वो सारा डैमेज रिकवर हो जाएगा, आपका HP फिर से फुल हो जाएगा। इस तरह का मैं आपको कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बताने वाला हूँ। पहले एग्जाम्पल देख लीजिए, फिर इसमें मैं कौन कौन सा कैरेक्टर यूज करने वाला हूँ मैं आपको बताऊँ। तो सबसे पहले तो आप इनिमी का डैमेज देखिए कितना है, 437, 437 का इनिमी का डैमेज है। और यहां पर मैंने AWM परचेस किया है, लॉन वुल्फ का गेम है, ठीक ना। नॉर्मली क्या होता है कि AWM का एक गोली पड़ने के बाद आप कोई सा भी इनिमी हो, कोई सा भी कैरेक्टर कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं, आप किल हो जाएगा, ठीक ना। नॉर्मली तो यही होता है, लेकिन यहां देखिए क्या होता है, ठीक ना। मैं आपको सिर्फ दिखाता हूं कि इनिमी हमको AWM से कितना गोली मारता है, उसके बाद मैं मारता हूं। देखिए मैं खड़ा हो गया, एक गोली मारा, ठीक। अभी यहां से मैं भागता हूं, हमको सिर्फ 5 सेकंड का टाइम चाहिए, दूसरा गोली खाने से पहले 5 सेकंड का टाइम चाहिए, 5 सेकंड के अंदर मेरा HP फिर से फुल हो जाएगा, ठीक ना। फुल दिख नहीं रहा है लेकिन असली में फुल हो गया, ठीक ना। 5 सेकंड का टाइम हो गया, फिर से मैं इनिमी के सामने जाके खड़ा हो जाऊंगा, ठीक ना। तो यहां आप लोगों को लग रहा होगा कि दूसरा गोली जैसे मारेगा वैसे किल हो जाएगा। देखिए खड़ा हो गया, कुछ हुआ, फिर से नहीं मारा, फिर से हमको 5 सेकंड का टाइम चाहिए। तो मैं इनिमी से थोड़ा दूर भागता हूं और 5 सेकंड ऐसे क्विक बीत जाता है, पता भी नहीं चलता है। तो अब 5 सेकंड लगभग में हो गया, ठीक ना। यहां देखिए 5 सेकंड हो गया, तो अब देखिए मैं फिर से इनिमी के सामने जाऊंगा, इनिमी के सामने मैं फिर से जाऊंगा, फिर से उसको बोलूंगा मार मारो। देखिए 3 गोली मारा, मैं नहीं मारा, ठीक ना। आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा डैमेज दिया। और जब चौथा गोली मारता है तब जाकर के मरता हूं। और आपने ध्यान दिया होगा इनिमी ने हमको एक भी हेडशॉट नहीं मारा है, लेकिन इनिमी का डैमेज देखिए कितना, 1200 कुछ हो गया, ठीक ना। जो पहले 400 था अभी 1200 हो गया, मतलब 800 डैमेज इंक्रीज हो गया। तो समझ लिए, इनिमी हमको 800 डैमेज दिया तब हम मरे। तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि ये वाला कैरेक्टर कॉम्बिनेशन आपको कितना ज्यादा HP देता है। तो इससे क्या-क्या बेनिफिट होने वाला है तो मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहला तो आपको बहुत बहुत ज्यादा HP मिलेगा, ठीक ना, अनलिमिटेड HP टाइप का मिलने वाला है इस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन से। दूसरा बेनिफिट क्या होगा कि CS रैंक गेम के अंदर कोई आपको अगर वन टैप मारेगा, ठीक ना, वन टैप हेडशॉट मारेगा, तो वहां पर आपका मतलब डाउन होने का चांसेस बहुत बहुत कम होने वाला है। इसके बाद तीसरा जो सबसे मेन बेनिफिट होने वाला है इस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन का कि आप इसका यूज करने के बाद, इस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन का यूज करने के बाद आप इनिमी को धोखा दे सकते हैं। धोखा मतलब समझे, इनिमी देगा मान के चलिए AWM से आपको मारा तो आपको 150 का डैमेज पड़ेगा, तो इनिमी आप पे रश करेगा, लेकिन आपका हेल्थ तो पहले से फुल रहेगा, तो आप इनिमी को बहुत इजीली मार सकते हैं। मतलब इनिमी को लगेगा कि मैंने बहुत डैमेज दिया है और वो रश करेगा, लेकिन आपका हेल्थ फुल होने वाला है, आप उसको इजीली मार सकते हैं। तो ये कैरेक्टर कॉम्बिनेशन इनिमी को धोखा भी दे सकता है। तो यहां तक बकवास बहुत हो गया, तो इस वाले कैरेक्टर कॉम्बिनेशन को पूरा डिटेल के साथ जानते हैं। तो सबसे पहले बारी आती है एक्टिव स्किल कैरेक्टर की। तो आपको कौन सा एक्टिव स्किल कैरेक्टर यूज करना है मैं आपको बताता हूं। देखिए वो वाला कैरेक्टर यूज करना है एक्टिव स्किल स्लॉट में जिसका आप बार बार यूज कर सकते हैं। जैसे हो गया तत्सुया कैरेक्टर, तत्सुया कैरेक्टर को आप कंटिन्यू 3 बार यूज कर सकते हैं, मतलब ज्यादा टाइम यूज कर सकते हैं। इसके बाद आप ओरियन कैरेक्टर का भी यूज कर सकते हैं इस वाले कैरेक्टर कॉम्बिनेशन में, क्योंकि इसको बार बार आप यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है ना, आप के कैरेक्टर को भी यूज कर सकते हैं, उसके बाद वुकोंग कैरेक्टर का यूज कर सकते हैं। मतलब कि आपको वैसा एक्टिव स्किल कैरेक्टर को सेलेक्ट करना है जिसको आप बार बार यूज कर सकते हैं। सबसे अच्छा तो तत्सुया है, क्योंकि तत्सुया को कंटिन्यू 3 बार यूज कर सकते हैं। इसके अलावा भी ओरियन, वुकोंग के ये सब है, इस सब में से कोई भी एक एक्टिव स्किल कैरेक्टर सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आगे मैं आपको बताता हूं। तो फर्स्ट पैसिव कैरेक्टर के रूप में आपको एंटोनियो कैरेक्टर यूज करना है। एंटोनियो कैरेक्टर की एबिलिटी क्या है कि आपको 40 शील्ड पॉइंट देगा, ठीक ना। तो यहां देखिए, यहां मैं एंटोनियो कैरेक्टर यूज कर रहा हूं, मेरे पास देखिए 40 शील्ड पॉइंट है। इनिमी जैसे हमको मारता है तो सबसे पहले शील्ड पॉइंट पर डैमेज पड़ता है और 40 शील्ड पॉइंट खत्म हो जाता है, ठीक। और उसके बाद थोड़ा देर में देखिए खुद ब खुद ये शील्ड पॉइंट रिकवर हो जाता है। आप देखिए नीला नीला कलर का खुद ब खुद आ गया और थोड़ा देर में 5-6 सेकंड में फिर से रिकवर हो गया। तो एंटोनियो कैरेक्टर की यही एबिलिटी है कि एंटोनियो कैरेक्टर आपको 40 शील्ड पॉइंट देगा, और इनिमी अगर आपको डैमेज देगा सबसे पहले शील्ड पॉइंट पे डैमेज पड़ेगा, फिर जाके आपके रियल HP पे डैमेज पड़ेगा। तो इसका सीधा सा मतलब है, आप समझ ही गए होंगे, एंटोनियो कैरेक्टर यूज करने के बाद आपका 240 HP हो जाएगा और जो लास्ट वाला 40 HP होगा वो खुद ब खुद रिकवर होते रहेगा, 5-6 सेकंड में खुद ब खुद रिकवर हो जाएगा, ठीक ना। तो इस तरह से आपको डाउन करने के लिए, आपको मारने के लिए इनिमी को 240 से ज्यादा डैमेज देना होगा, तभी आपको डाउन कर सकता है, तभी आपको मार सकता है। तो एंटोनियो कैरेक्टर इस तरह से आपका HP बढ़ाता भी है और रिकवर भी करता है। इसके बाद आगे आपको सेकंड पैसिव कैरेक्टर के रूप में सानी कैरेक्टर यूज करना है। सानी कैरेक्टर आपको 50 शील्ड पॉइंट देता है, ठीक ना। 50 शील्ड पॉइंट आपको बार बार देगा, जब भी आप एक्टिव स्किल कैरेक्टर यूज कीजिएगा तब आपको 50 शील्ड पॉइंट देगा। तो आप देख लीजिए किस तरह वर्क करता है। तो यहां मैं एंटोनियो के साथ सानी यूज कर रहा हूं, तो एंटोनियो के कारण मेरा 40 शील्ड पॉइंट पहले से आप देख सकते हैं। और जैसे मैं स्पीड बूस्ट यूज करूंगा, देखिए जैसे यूज किया तो यहां पर हमको 50 शील्ड पॉइंट और मिल गया, तब ये 90 शील्ड पॉइंट है। हालांकि 5 सेकंड बाद जो सानी द्वारा दिया गया 50 शील्ड पॉइंट वो खत्म हो जाता है, लेकिन सानी जब भी आप एक्टिव स्किल कैरेक्टर यूज कीजिएगा तो सानी आपको शील्ड पॉइंट देगा। देखिए अभी मैं फिर से शील्ड एक्टिव स्किल कैरेक्टर यूज किया, फिर से देखिए मेरा 90 शील्ड पॉइंट है। फिर से मैं रश करता हूं, ठीक,
ना इसको डाउन किया और मेरा फ्रेंड उधर फाइट कर रहा है तो मैं जल्दी से उसको मारने के लिए जाता हूँ। तो यहाँ से पहले मैं देख लेता हूँ फेंस के पीछे बंदा है कि नहीं, डायरेक्ट जाऊँगा तो अगर फेंस के पीछे रहेगा तो मार देगा, इसलिए मैं थोड़ा वेट किया। उसके बाद देखता हूँ वुडन के ऊपर बंदा कूद रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा हेड मारता हूँ। देखिए फिर से जब मैं रश करता हूँ फिर से देखिए मेरे पास 90 शील्ड पॉइंट हो गया और मैं इसको आराम से मार देता हूँ। उसके बाद लास्ट बंदा बचता है, इसको पहले डाउन करके फिनिश करता हूँ क्योंकि इसने दिमित्री चला लिया था। उसके बाद लास्ट बंदा बचता है, देखिए फिर से जब मैं स्पीड बूस्ट यूज करूंगा फिर से मेरे पास 90 शील्ड पॉइंट है, मतलब 290 एचपी है। यहाँ पर इनिमी डैमेज भी देगा तो पहले शील्ड पॉइंट पे डैमेज पड़ा, सारा शील्ड पॉइंट खत्म होगा उसके बाद मेरे पे डैमेज पड़ेगा, इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, इनिमी को मैं इजीली मार सकता हूँ 290 एचपी के साथ। इसके बाद लास्ट में जो तीसरा पैसिव कैरेक्टर है वो होने वाला है फोर्ड कैरेक्टर। देखिए फोर्ड कैरेक्टर आपको 30 ही एचपी देता है, ठीक ना, 30 एचपी देता है, लेकिन ये जो ना बहुत फास्ट 30 एचपी देता है। अब फाइट के दौरान भी आपको 30 एचपी, मतलब 3 सेकंड में 30 एचपी देता है, जब भी आपको डैमेज पड़ेगा तो आपको 3 सेकंड में 30 एचपी दे देगा फोर्ड कैरेक्टर, ठीक ना, तो कितना गजब का कैरेक्टर है। उसके बाद देखिए यहां पर फास्ट एचपी रिकवरी के साथ एक और कारण है फोर्ड का यूज करने का, जब भी आप एक्टिव स्किल कैरेक्टर यूज कीजिएगा तब फोर्ड कैरेक्टर कूल डाउन हो जाता है, मतलब फिर से चार्ज हो जाता है। नॉर्मली तो चार्ज होने में 20 सेकंड लगता है फोर्ड कैरेक्टर, लेकिन आप जब एक्टिव स्किल कैरेक्टर यूज कीजिएगा तब फोर्ड कैरेक्टर चार्ज हो जाएगा। आप यहां देखिए कितना एचपी हमको मिलता है फोर्ड से, पहला बार मारा तो डैमेज पड़ा, देखिए 30 एचपी रिकवर किया, 30 एचपी दिया, फिर मैं वहां से भागा फिर डैमेज पड़ा, फिर से फोर्ड कैरेक्टर हमको 30 एचपी दिया, तो अभी तक 60 एचपी दे दिया है कितना कम सेकंड में, ठीक ना। फिर से मैंने मेडी मारा और फिर से रश करता हूं, ठीक ना, फिर से देखिए जब मैं इस वाले इनिमी को, ये लास्ट वाला इनिमी को मारूंगा फिर से हमको 30 एचपी मिलेगा। आप यहां देख लीजिए जैसे मैं रश करता हूं तो वो बंदा ग्रेनेड कुक कर रहा था, रश करके मैं इसको डाउन कर देता, अरे भाई ग्रेनेड लगा दिया, और देखिए फिर से डैमेज पड़ा, फिर से 30 एचपी रिकवर कर दिया, मतलब कितना कम सेकंड में 90 एचपी दे दिया। तो आपने देख लिया फोर्ड किस तरह जब भी डैमेज पड़ता है तब आपको 30 एचपी रिकवर कर देता है और थोड़ा फास्ट एचपी रिकवर करता है, इसलिए मैंने फोर्ड कैरेक्टर को तीसरा कैरेक्टर के रूप में यूज किया है। तो अब तक जो मैंने आपको बताया कि आपको एक एक्टिव स्किल्स कैरेक्टर चुनना है जिसका कि आप बार बार यूज कर पाए, ठीक है, उसके साथ साथ फर्स्ट स्किल स्लॉट में एंटोनियो कैरेक्टर यूज करना है, सेकंड स्किल स्लॉट में सानी कैरेक्टर यूज करना है, थर्ड एंड लास्ट स्किल स्लॉट में फोर्ड कैरेक्टर यूज करना है। तो देखिए जब आप ये वाला कैरेक्टर कॉम्बिनेशन से खेलिएगा, मतलब एंटोनियो सानी प्लस फोर्ड का यूज कीजिएगा, तो देखिए आपको कितना ज्यादा बेनिफिट होता है। देखिए मैं आपको एक क्लिप से दिखाता हूं, तो यहां पर आप बहुत ज्यादा गौर से देखिए, लास्ट एनिमी को मैंने मारा, मेरे पास 4 ही एचपी है और लास्ट एनिमी बचा है और हमको किल चाहिए, तो मैं रश करता हूं। सबसे पहले तो मेरे पास 90 शील्ड पॉइंट आ जाता है, एनिमी शील्ड पॉइंट खत्म करता है, 90 का डैमेज दिया लेकिन यहां मैं नहीं मरा, ठीक ना। उसके बाद देखिए एनिमी भागता है, सोचा फुल हेल्थ है, उसके बाद देखिए मेरा एचपी भी धीरे धीरे रिकवर हो रहा है, ठीक ना, मेरे देखिए एचपी भी बढ़ रहा है, ठीक ना, फोर्ड कैरेक्टर के कारण। पहले तो सानी और एंटोनियो से शील्ड पॉइंट मिला, फोर्ड एचपी दे रहा है, देखिए एनिमी यहां पर जंप करके हमको मारता है, ठीक ना, मेरा एचपी पे 20 का डैमेज पड़ता है, ठीक 20 का डैमेज पड़ता है और मैं एनिमी को मार देता हूं। तो आपने देखा यहां पर 4 एचपी के साथ मैंने इनिमी को रस करके इनिमी को मार दिया, मेरा यहां पर इनिमी भी हमको बहुत ज्यादा डैमेज दिया, 100 के आसपास डैमेज दिया, लेकिन मैं इनिमी को मार दिया 4 एचपी के साथ, इनिमी का 100 डैमेज को मैंने मतलब सरवाइव कर लिया। तो आप समझ सकते हैं ये जो कैरेक्टर कॉम्बिनेशन है एंटोनियो प्लस सानी प्लस फोर्ड बहुत बहुत ज्यादा आपको एचपी रिकवर करके देता है, मतलब इनिमी मारते रहेगा लेकिन आपका एचपी कम नहीं होने वाला है। लेकिन इसका एक वीकनेस है, वीकनेस क्या है कि इस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन के साथ जो है आपको अटैकिंग और डिफेंसिव पावर नहीं मिलता है, मतलब ये वाला कैरेक्टर कॉम्बिनेशन आपको इनिमी से बचने या इनिमी को मारने में हेल्प नहीं करता, ये सिर्फ आपको एचपी रिकवर करने में हेल्प करता है, आपका एचपी भरते रहेगा ये कैरेक्टर कॉम्बिनेशन, बस आपको अपना दिमाग लगा करके इनिमी से बचना होगा, इनिमी को मारना होगा, ठीक ना। तो ये कैरेक्टर कॉम्बिनेशन ओवर पावर कैरेक्टर कॉम्बिनेशन है एचपी रिकवरी के लिए, ठीक ना। तो मैंने सारा चीज डिटेल से बता दिया इस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन के बारे में। तो आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर से जरूर कर दे लाइक और चैनल को 100% कर ले सब्सक्राइब। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।